हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। होली तक बढ़ाई गई मुफ्त राशन योजना, 1 किलो तेल, दाल और नमक भी मुफ्त देगी योगी सरकार। जी हां, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गरीबों के मुफ्त अनाज की योजना नवंबर से बढ़ाकर होली तक कर दी है। अब नागरिकों को 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक भी मुफ्त में दिया जाएगा। पहले से सरकार गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना चला रही है, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाता है। इसका लाभ 15 करोड़ लोग हर महीने ले सकते हैं। सीएम ने कहा कि अंत्योदय कार्ड धारक को राशन में 35 किलो चावल, गेहूं के साथ साथ दाल, तेल और नमक भी मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारक को हर महीने चीनी भी मिलेगी। आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी। UIDAI अब लगा सकता है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि भारत सरकार ने आधार अधिनियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का अधिकार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI को दे दिया है। कानून पारित होने के लगभग 2 साल बाद सरकार ने इन नियमों की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत UIDAI आधार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। इसी के साथ ही दोषियों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। सरकार ने 2 नवंबर को UIDAI जुर्माने का अधिनियम नियम 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत UIDAI अधिनियम या UIDAI के निर्देशों का पालन न होने की दशा में शिकायत की जा सकती है। UIDAI द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी ऐसे मामलों का फैसला करेंगे और ऐसी संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मिली WHO की मंजूरी, अब बिना रोक टोक कर सकेंगे विदेश यात्रा। जी हां, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के तकनीकी परामर्शदाता समूह ने भारत बायोटेक के COVID-19 रोधी टीके कोवैक्सीन को आपात उपयोग की सूची यानी EUL में रखने की सिफारिश की है। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिलने के बाद अब बिना रोक टोक के विदेश यात्रा कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में G20 की बैठक के दौरान कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये WHO की तरफ से फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अधिकारियों को मंत्र, घर घर जाकर वैक्सीनेशन करें, दूसरी खुराक पर भी दे ध्यान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम कोविड वैक्सीनेशन वाले जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उन्हें घर घर जाकर वैक्सीनेशन करना चाहिए और दूसरी खुराक पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 अरब खुराकें लगाने के बाद अगर हम ढीले पड़ गए तो बड़ा संकट आ सकता है। प्रधानमंत्री की इस बैठक में कम वैक्सीनेशन कवरेज वाले कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक आप सभी ने लोगों को वैक्सीनेशन केंद्रों तक ले जाने के इंतजाम किए हैं, अब वैक्सीन को हर घर तक ले जाने की जरूरत है। घर घर वैक्सीनेशन होना चाहिए, जोश के साथ आपको हर घर तक पहुँचना होगा। उन्होंने कहा कि मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान में हम 1 दिन में 2.5 करोड़ खुराकें लगा चुके हैं, यह हमारी क्षमता दिखाता है। अब हमारा लक्ष्य हर घर वैक्सीन, घर घर वैक्सीन है। अखिलेश यादव ने किया ऐलान, शिवपाल यादव की पार्टी संग करेंगे गठबंधन, कहा दिया जाएगा पूरा सम्मान। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ चुनावी मैदान में आने का ऐलान कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सपा शिवपाल यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव की पार्टी को पूरा सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल यादव ने हाल ही के दिनों में कई बार कहा था कि वह 2022 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पसंद करेंगे। ऐसा लग रहा था कि शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव से गठबंधन पर हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे थे। सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूलेंगे हर्जाना, कानून लाने की है तैयारी।
जी हां, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य में जल्दी ही प्रिवेंशन ऑफ लॉस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज एक्ट लगाया जा रहा है। इसके तहत सरकारी या प्राइवेट संपत्ति पर पथराव या फिर किसी अन्य तरीके से नुकसान पहुंचाने वालों से हर्जाना वसूला जाएगा। ये हर्जाना घटना की जगह के आधार पर तय होगा। आपको बता दें कि पत्थरबाज और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मिश्रा ने कहा कि कानून के तहत एक ट्रिब्यूनल बनेगा जो हर्जाना तय करेगा। इसमें पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी, आईजी स्तर का अधिकारी और रिटायर्ड सेक्रेटरी होगा। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट जैसे अधिकार होंगे। कलेक्टर सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की जानकारी इस ट्रिब्यूनल को देगा। इसी तरह अगर किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है तो वह भी ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकेगा। उन्होंने नुकसान की जानकारी ट्रिब्यूनल को देनी होगी। गृह मंत्री के अनुसार इस ट्रिब्यूनल को लैंड रेवेन्यू कोर्ट जैसे ही अधिकार होंगे। पंजाब के प्रत्येक निर्माण श्रमिकों को 3100 रुपए देगी चन्नी सरकार। सीएम चन्नी ने की शगुन की घोषणा। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब की सरकार श्रमिकों को शगुन देने जा रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य के प्रत्येक रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक को 3100 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि कोरोना महामारी के बीच निर्माण श्रमिकों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। कामकाज बंद होने के चलते इन मजदूरों के सामने रोजी रोटी की मुसीबत पैदा हो गई है। सरकार का ये शगुन इन्हीं मजदूरों को राहत पहुंचाएगा। सीएम चन्नी की घोषणा के अनुसार राज्य के BOCW वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर्ड प्रत्येक श्रमिक को इस योजना का फायदा मिलेगा। फिलहाल BOCW में राज्य भर के 3.17 लाख श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार व्यापारियों की मदद के लिए दिल्ली बाजार वेब पोर्टल तैयार कर रही है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार व्यापारियों को अपने उत्पादों को दुनिया भर में बढ़ावा देने के मदद के लिए दिल्ली बाजार वेब पोर्टल यानी वेबसाइट तैयार कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस पोर्टल से दिल्ली के राजस्व, सकल घरेलू उत्पाद और अर्थव्यवस्था को व्यापक तौर पर बढ़ावा मिलेगा। पोर्टल के अगले साल अगस्त तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि व्यवसायी, व्यापारी, उत्पादक, बाजार और दुकानें इस पोर्टल पर न केवल अपने उत्पादों को पेश कर पाएंगे बल्कि उसे शहर, देश और यहां तक कि विदेश में भी बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर ऑनलाइन बाजार भी उपलब्ध होंगे जहां लोग अलग अलग दुकानों से गुजरेंगे और उत्पादों की पहचान करेंगे तथा अपने पसंद की चीजें खरीद सकेंगे, तो वहीं यहां ऑनलाइन प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान ने विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल पर रोक लगाई, देश हित में बताया ये फैसला। जी हां, तालिबान ने अफगानिस्तान में विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पहले से ही संकट से जूझ रही अफगानिस्तान के लिए ये कदम परेशानी बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। अफगानिस्तान के बाजारों में बड़े स्तर पर अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल होता है, तो वहीं सीमाई इलाकों में लोग व्यापार के लिए पाकिस्तानी मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। तालिबान ने विदेशी मुद्रा बंद करने को देश हित में फैसला बताया है। तालिबान के प्रवक्ता जबेउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अगर अब कोई भी व्यक्ति घरेलू लेनदेन में विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुजाहिद ने अपने बयान में कहा कि देश के आर्थिक हालात और अन्य हितों के लिए हर अफगान नागरिक को केवल अफगानी का ही उपयोग करना है। इस्लामी अमीरात सभी नागरिकों, दुकानदारों, व्यापारियों और आम लोगों को सभी लेनदेन अफगानी में करने का आदेश देती है और विदेशी मुद्रा के प्रयोग पर पाबंदी लगाती है। इस कदम से सरकारी दफ्तरों में 9 लाख वर्ग फुट जगह हुई खाली, हुआ ये बड़ा बदलाव। जी हां, सरकार ने 25 लाख फाइलों का डिजिटलीकरण किया और पुरानी फाइलों को हटाया है। इससे करीब 9 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थल को खाली किया जा सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ये जानकारी दी है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक वी श्रीनिवास ने यहाँ एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ई कार्यालयों से देश के कामकाज के संचालन के मॉडल में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आज आप केंद्रीय सचिवालय में आएं तो पाएंगे कि 25 लाख से अधिक फाइलें डिजिटल हो चुकी हैं, सिर्फ 10 लाख फाइलें ही भौतिक रूप में हैं। श्रीनिवास प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में विशेष सचिव भी हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी फाइलें हटने से हम करीब 9 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थल को खाली करा पाए हैं। आज कार्यालयों की स्थिति काफी बेहतर है और आपको वहाँ कामकाज के लिए काफी जगह उपलब्ध है।
चीन से परेशान होकर याहू का बड़ा फैसला, अमेरिकी कंपनी ने देश से समेटा कारोबार। जी हां, अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी याहू इंक ने कहा कि उसने चीन से अपना कारोबार समेट लिया है। उसने अपने इस कदम के लिए चीन में बढ़ती कारोबारी और कानूनी चुनौतियों का हवाला दिया है। चीनी प्राधिकार देश में इंटरनेट सेंसरशिप सख्ती से लागू किए गए हैं। चीन में संचालित हो रही कंपनियों से राजनीतिक रूप से संवेदनशील और अनुपयुक्त सामग्री एवं शब्दों पर रोक लगाने की अपेक्षा की जाती है। याहू कंपनी ने अपने एक आधिकारिक बयान में कहा कि चीन में बढ़ती कारोबारी और कानूनी चुनौतियों को देखते हुए चीन की मुख्य भूमि पर याहू की सभी सेवाएं 1 नवंबर से उपलब्ध नहीं हैं। अमेरिकी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दिए गए एक बयान में लिखा कि चीन में 1 नवंबर से यूजर्स को दी जाने वाली सेवाएं बंद कर दी गई हैं। चीन की स्थानीय मीडिया ने भी इस खबर की पुष्टि की है। एलन मस्क ने यूएन की मदद को बढ़ाया हाथ, बोले भुखमरी खत्म करने का प्लान बताओ, मैं 6 अरब डॉलर देने को हूँ तैयार। जी हाँ, भुखमरी दुनिया की एक बड़ी समस्या है। ऐसे में इससे निपटने के लिए दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ये साबित कर दें कि उन्हें 6 अरब डॉलर से भुखमरी खत्म हो सकती है तो वह अपने शेयर बेचने के लिए तैयार हैं। इस बात को लेकर मस्क ने ट्वीट किया और कहा कि अगर WFP इस ट्विटर थ्रेड पर ये बता दे कि ये किस तरह दुनिया की भूख 6 अरब डॉलर से मिट सकती है तो मैं अभी टेस्ला का स्टॉक बेच दूंगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के निदेशक डेविड बेसली ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि टेस्ला चीफ एलन मस्क की पूरी दौलत का केवल 2% हिस्सा दुनिया की भूखमरी को मिटा सकता है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, दक्षिण छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ कम तीव्र बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट हल्की बारिश संभव है। दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण और बढ़ सकता है और रास्ते के अलग अलग हिस्से खतरनाक श्रेणी में आ सकते हैं। आज का सुविचार, भगवान महावीर ने कहा था, जिस प्रकार बिना जल के धान नहीं उगता उसी प्रकार बिना विनय के प्राप्त की गई विद्या फलदायी नहीं होती। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।